पश्चिम रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रतलाम रेल मंडल के सांसदों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की गंभीरता का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पश्चिम रेल मंडल में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए 16 में से केवल 3 सांसद ही यहां पहुंचे। बैठक के दौरान महू सनावद रेल लाइन को हेरिटेज लाइन के रूप में विकसित करने के साथ इंदौर खंडवा रेल मार्ग को ब्रॉडगेज करने में वन जमीन विभाग अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने में हो रही देरी पर चर्चा की गई। साथ ही फतेहाबाद उज्जैन रेल मार्ग दिसंबर तक पूर्ण करने की उम्मीद सांसदों द्वारा जताई गई। वहीं रतलाम झाबुआ के सांसद कांतिलाल भूरिया ने रेल परियोजना में लेट लतीफी की शिकायत रेलवे GM से की है। समय पर मीटिंग होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती रहना चाहिए, तो जाके मीटिंग का महत्व है। पिछले समय जो मीटिंग हुई थी उसका जितने भी बात की थी एजेंडा में एक भी काम नहीं हुआ, वो एजेंडा से हटा दिया, एजेंडा में है ही नहीं। और जो मैंने आज योजना है इसके बारे में बताया है कि सरकार कहती हम करेंगे तो करना चाहिए, सरकार की कथनी और करनी मंथन नहीं हो। पर आप देखिए उदयपुर से धार वहाँ क्यों नहीं पड़ा है, उसको मैंने करेंगे इस बात को लेकर, तो अभी दाहोद से इंदौर महत्वपूर्ण व्यापारिक सेंटर है वहाँ पे उसको करना चाहिए। आज मैंने कितने साल हो गए, 4 साल से सरकार है पर एक कदम भी नहीं काम हुआ। आपके रतलाम से डूंगरपुर जयपुर वो रेलवे ट्रैक वो भी खटाई में डाल दिया है। आज सारे प्रोजेक्ट खटाई में डालते जा रहे हैं हम लोग, करते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़। और जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर होना चाहिए, इंदौर रेलवे स्टेशन, रतलाम रेलवे स्टेशन है, हमारे जितने छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, कहीं कैंटीन नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं वो नहीं, तो ये क्या है क्या आखिर। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट अगर मैंने हाथ पे हाथ देकर बैठे रहेंगे कैसे काम चलेगा। इस बात को लेकर भी हम लोग इस मामले को बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इन 4.5 सालों में जो रेल के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुआ है वो अभूतपूर्व है। कई रेल लाइनें स्वीकृत हुई है, इंदौर के लिए तो बहुत अच्छी उपलब्धि है कि ना केवल उज्जैन फतेहाबाद उसको स्वीकृत होकर मिला है लेकिन इंदौर मनमाड़ का काम भी बहुत तेजी से हुआ है, उसकी भी प्रगति की समीक्षा आज हमने की है। और उन्होंने आश्वासन किया है कि लैंड एक्वायर अगर जल्दी हो जाएगी तो वो 1 साल में ही बहुत बड़ी प्रगति करने वाले हैं। साथ में यह भी तय हुआ है कि पाताल पानी और वो जो छोटी रेल लाइन है मीटर गेज, हाँ, उसको एक हेरिटेज भी बनाने वाले हैं, उसका भी आज एक विचार हुआ है, अभी प्रारंभिक स्तर पर है। इसके अतिरिक्त इंदौर से लेकर के दिल्ली की एक नई फास्ट ट्रेन का भी हम सब ने मांग की है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्वीकृत भी होगी। बाकी बहुत सारे फुट ओवर ब्रिज मिले हैं, करीब केवल इस क्षेत्र में 43 फुट ओवर ब्रिज मिले हैं जिन पर काम हो रहा है। तो रेलवे के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हमारे इसमें हो रही है, नए स्टेशन इनोवेशन स्वीकृत हुए हैं और हेरिटेज स्टाइल में जो बनाने का काम है रेलवे स्टेशन वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो आज की बैठक बहुत फलदायी रही है। वहीं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इंदौर के आसपास चल रही रेल परियोजनाओं का कार्य तीव्र गति से चल रहा है लेकिन इंदौर खंडवा रेल मार्ग पर जमीन अधिग्रहण हेतु वन विभाग द्वारा देरी की जा रही है जिसके कारण प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। महू से सनावत के बीच पहाड़ी रास्ते में टनल और बड़े ब्रिज बनाए जाने हैं, अगर जमीन हमें जल्द मिल जाती है तो काम तेज गति से होगा। बेसिकली मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो पैसेंजर एमिटीज की हो या ट्रेन संबंधी हो, तो जो इस मीटिंग के में जो उनके सुझाव आते हैं उसके बाद में हम उसको व्यवस्थित जांच करके अपनी रिकमेंडेशन के साथ में रेलवे बोर्ड भेजते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं चली हैं, अगर आप देखें पिछले 3-4 साल या 5 साल का अगर उठा के देख लें तो इस क्षेत्र में बहुत सारी गाड़ियां नहीं चली हैं, नए स्टॉपेज दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो मऊ का हो, इंदौर का हो, रतलाम का हो, चित्तौड़ का हो, नीमच का हो, आप हर जगह देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है। तो बेसिकली जो अभी अब काम हो रहा है या जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो पिछली बैठक में जो सजेशन आए थे या उससे पिछली बैठक में जो सजेशंस आए थे उनके आधार पर ही ये सब आगे की लिए स्वीकृति होती है। तो आज जो बैठक हुई है उस पर जो नए मुद्दे आए हैं उस पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करने के बाद में अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजते हैं और उसके बाद में उस पर अगली कार्रवाई होती है स्वीकृत होने की।
रेल सुविधाओं को लेकर पिछड़ने की शिकायत लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर आयोजित बैठक में सांसदों की संख्या एक चौथाई भी नहीं रही, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मालवा में रेल परियोजनाओं को लेकर सांसद कितने गंभीर हैं।